हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वीक का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये होने वाला सर्वाइवर सीरीज के बाद का स्मैकडाउन और हमें काफी सारी नई चीजें स्टार्ट होते हुए दिखने वाली इस स्मैकडाउन के एपिसोड में। और टीएलसी पेपरव्यू के लिए भी, जो कि लगभग 2 हफ्ते बाद होने वाला, उसके लिए भी हमें हाइप क्रिएट होते हुए दिखने वाली और कुछ मैचेस भी कंफर्म होते हुए दिख सकते हैं। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि आखिरकार हमें इस स्मैकडाउन के एपिसोड में क्या कुछ देखने को मिलने वाला। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली चीज के बारे में जिसे WWE ने इस स्मैकडाउन के लिए कंफर्म कर दिया, देन वो ये कि हमें ब्रे वाइट का एक फायरफ्लाई फनहाउस सेगमेंट देखने को मिलेगा, जहां पर वो रिवील करने वाले न्यू कैरेक्टर को। और अगर रूमर की माने तो वो होने वाली है सिस्टर एबिगेल। अब सिस्टर एबिगेल के बारे में आप सब जानते हैं, पहले वाले ब्रे वाइट से रिलेटेड है ये चीज। और अगर बात करें कि आखिरकार सिस्टर एबिगेल कौन होने वाली है, देन जिस सुपरस्टार की नाम निकल कर आ रही है कि वो हो सकती है सिस्टर एबिगेल, वो कोई और नहीं, वो है लिव मॉर्गन। और ये चीज ट्विटर पर काफी ज्यादा टीज हो रही है। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा, जब लिव मॉर्गन शार्लेट फ्लेयर से हार कर स्मैकडाउन लाइव से गई थी, देन उन्होंने कहा था कि जब मैं वापस आऊंगी तो मुझ में एक मेजर चेंज होगा। तो क्या पता यही वो मेजर चेंज हो और ब्रे वाइट के सिस्टर एबिगेल बनकर आए लिव मॉर्गन। और बात की जाए कि अब ब्रे वाइट की नेक्स्ट फ्यूड किसके साथ स्टार्ट हो सकती है, देन मैंने आप सबको बताया था दो सुपरस्टार के चांसेस काफी ज्यादा है कि वो होने वाले ब्रे वाइट के नेक्स्ट चैलेंजर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, और वो थे मिज एंड ब्रॉन स्ट्रोमन। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया था कि कुछ लाइव इवेंट के लिए फिंड वर्सेस दी मिज का मैच एडवर्टाइज किया जा रहा है और कुछ लाइव इवेंट के लिए फिंड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। बट जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि स्टारकेड का इवेंट जो कि होने वाला है 1 दिसंबर को, और ये हमें टेलीविजन पर देखने को नहीं मिलेगा, एंड ये एक तरह का लाइव इवेंट ही होता है बट उससे थोड़ा बड़ा होता है। और यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस फिंड का मैच एडवर्टाइज किया जा रहा है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, इसलिए कह सकते हैं इसके ज्यादा चांसेस है कि ब्रे वाइट के नेक्स्ट अपोनेंट होने वाले ब्रॉन स्ट्रोमन। तो अब बात करें शिंस्के नाकामुरा के बारे में कि आखिर उनके ब्रांड न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का नेक्स्ट चैलेंजर कौन होने वाला। तो जैसा कि आप सबको पता है, क्राउन जूल के बाद या कहे क्राउन जूल के आसपास हमें ऐसा देखने को मिल रहा था कि अब हमें शिंस्के नाकामुरा एंड डैनियल ब्रायन की फ्यूड स्टार्ट होते हुए दिखेगी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। और फ्यूड भी स्टार्ट हुई बट वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाए, क्योंकि क्राउन जूल के बाद शायद WWE ने अपने प्लान में चेंजेस कर दिए एंड उन्होंने डैनियल ब्रायन को चुन लिया सर्वाइवर सीरीज के लिए द फिंड का अगला चैलेंजर, और शिंस्के नाकामुरा को दूसरे मैच में बुक कर दिया। बट क्या पता अब जब ये दोनों अपने अपने फ्यूड से बाहर निकल चुके हैं तो हमें फिर से इनके बीच फ्यूड देखने को मिले और पॉसिबली इनका मैच हो सकता है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए WWE के नेक्स्ट पीपीबी टीएलसी में। और अगर हमें WWE इस शॉक करना चाहती है, देन हमें ऐसा कुछ भी देखने को मिल सकता है जैसा कि रे मिस्टीरियो ने इस वीक किया था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीतकर सर्वाइवर सीरीज के बाद। बट इसके चांसेस थोड़े कम है कि डैनियल ब्रायन इस वीक चैंपियन बने, बट ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हमें फिर से शिंस्के नाकामुरा एंड डैनियल ब्रायन की फ्यूड स्टार्ट होते हुए दिखती है या फिर नहीं। तो अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग के बारे में, जो कि जुड़ी है द बिग डॉग रोमन रेंस से। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू में रोमन रेंस बने थे सोल सर्वाइवर, जो कि जीत दिलाए थे स्मैकडाउन की टीम को। और बात करें अब आगे रोमन रेंस का क्या कुछ होगा, तो जैसा कि मेन सर्वाइवर सीरीज मैच में रोमन रेंस ने एलिमिनेट कराया था बैरन कॉर्बिन को, और इस वीक के स्मैकडाउन में हमें बैरन कॉर्बिन काफी ज्यादा गुस्से में देखने को मिल सकते हैं, जो कि हो सकता है डॉल्फ ज़िगलर एंड रॉबर्ट रूट के साथ मिलकर रोमन रेंस पर अटैक करने की सोच रहे हो। बट जैसा कि हम सब जानते हैं, रोमन रेंस की अभी हेल्प करने के लिए कुछ मेंबर्स है स्मैकडाउन में, जैसे कि शॉर्टी जी एंड आली, और उसोस के भी रूमर आ रहे थे कि वो हमें आते हुए दिख सकते हैं रोमन रेंस की हेल्प करने के लिए, बट हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और जैसा कि मैंने आप सबको ये बताया कि टीएलसी पेपरव्यू में हमें बैरन कॉर्बिन वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखने को मिलने वाला है, और पॉसिबली उस मैच में हमें कोई स्टेपुलेशन ऐड होते हुए दिख सकती है, जैसे कि नो होल्ड बार टेबल्स मैच, चेयर्स मैच या फिर डॉग कॉलर मैच भी देखने को मिल सकती है, जिसकी रूमर काफी पहले निकल कर आई थी। और अगर आप सबको नहीं पता डॉग कॉलर मैच क्या है, देन आप सबको बता दूं, दोनों सुपरस्टार्स के गले में पट्टे या कह सकते हैं आप सिक्कड़ बंधे हुए होती है, और वो सुपरस्टार एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं जा पाते, इसलिए अब देखना होगा कि आखिरकार WWE अगर इन दोनों का मैच करवा ही रही है टीएलसी पेपरव्यू में, देन उसमें हमें कौन सी स्टेपुलेशन ऐड होते हुए दिखती है। लेकिन गाइज, आप सब मुझे कमेंट कर बताइए कि अगर टीएलसी पेपरव्यू में फिर से इन दोनों का मैच होता है, देन इस बार किसकी जीत होगी, रोमन रेंस की या फिर बैरन कॉर्बिन की। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।